हिमाचल के शक्तिपीठों में इन दिनों श्रावण अष्टमी के मेले चल रहे हैं और इन मेलों के दौरान मां के दरबार में भारी संख्या में भक्त आकर शीश नवा रहे हैं। श्री नैना देवी मंदिर में बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार मां के चरणों में भेंट अर्पित करते हैं और मां नैना से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज पंजाब के श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में 1 किलो चांदी का छतर और माता के सोने के नेत्र अर्पित किए। वहीं श्रद्धालुओं का एक जत्था पंजाब के रायकोट से माता के दर्शनों के लिए आया हुआ था। ये जत्था मां का झंडा लेकर जयकारे लगाते हुए मां के दरबार में पहुंचा और मां के चरणों में चांदी का छत्र सोने के नेत्र अर्पित कर आशीर्वाद दिया। आज मां के चरणों में पंजाब से आए हुए रायकोट के श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में 1 किलो चांदी का एक बड़ा छत्र मां को अर्पित किया और सोने के नैन भी अर्पित किए। बड़ी श्रद्धा के साथ उन श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में माथा टेका और जहां तक मुझे जानकारी है उन्होंने यहां पे पिछले 7 दिन से मां नैना देवी के दरबार में लंगर भी लगाया हुआ था और श्रद्धालुओं को बड़ी अच्छी तरह से वो लंगर परोस रहे थे। मां से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मां इन श्रद्धालुओं को शक्ति दे और उनकी मनोकामना पूर्ण करे और इसी तरह वो उत्साह के साथ आने वाले श्रावण मेले में इसी तरह से मां के दरबार में पधारे। जय माता दी।